बंदे आजिज हूँ यार, कर मेरी तौबा कबूल। हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सूफिया उबेरिया के वास्ते। इश्क दे मुर्शिद का मुझको या इलाहुल आलमीन, अम्बिया व औलिया व असफिया के वास्ते। गायबाना याद करने पर तशरीफ आवरी, अपने असलाफ की तरह हजरत सुल्तान औलिया किबला की आदत मुबारक भी अपने को बहुत पोशीदा रखने की थी। कितना ही बड़ा वाक्या हो जाए, लेकिन हजरत किबला अपने आप को इस तरह अलहदा कर लेते थे कि आवाम ही नहीं बास खास की तवज्जो भी उस तरफ नहीं जाती थी। बात अगर आया हो भी गई तो रुझान को इस तरह पलट देते कि उस वाक्य के अहमियत के असरात जहन में धुंधला जाते थे। तमाम हयात मुबारक में फख्र नमूद की झलक भी नहीं मिलती और न कहीं जलवत या खलवत में किसी वाकई करामत पर तबसीरा या तफक्कुर करते हुए देखा गया। जिंदगी के किसी मोड़ पर कितना ही अजीब मामला पेश आया और लोगों के जहन इस वाकये की तरफ लग जाते, लेकिन हजरत किबला हमेशा कतरा कर आगे बढ़ जाते। बेशक अल्लाह वालों की मंजिल मकसूद वही जाते पाक है। यह तमाम वाकयात रह गुजरे मंजिल है। इन मामलात को वही लोग बाइश फक्र समझते हैं जिनकी नजर मंजिल पर ना हो। चंद वाकयात पेशे खिदमत हैं जो अपने वक्त और अपनी जगह पर अहम हैं, लेकिन हजरत किबला ने कभी पलट कर भी इस तरफ ना देखा, बल्कि बास मजालिस में हजरत किबला ने वाजे तौर पर फरमा दिया, खबरदार कभी करामत का कसद ना करना। बास मरतबा आपने फरमाया, बा करामत तो रियाजत का मैल है, मकसद रियाजत नहीं, असल मकसूद तो उसकी रजा है। और उसी रजा के सांचे में औलिया कराम ने अपने आप को इस तरह ढाल लिया था कि वो न दिन को दिन समझते थे न रात को रात, हर वक्त रजाए खुदावंदी के हुसूल के लिए मखलूक खुदावंदी की खिदमत के लिए तैयार रहते। इन मामलात में बास मर्तबा जमा व मका के फासलों से भी अलग नजर आते हैं। बजाहिर दूर रहते हुए हकीकत में इस कदर करीब के चश्मे जाहिर में हैरा हो जाए। हकीकत यह है कि औलिया अल्लाह के कुलूब मारिफत खुदावंदी के रोशन चिराग हैं। एक चिराग की क्या हैसियत, बिजली के एक बल्ब की क्या जसामत, लेकिन उनसे निकली हुई रोशनी अपनी जसामत से सैकड़ों हजारों बल्कि लाखों गुना फासलों को मुनव्वर कर देती है। रोशनी के लिए यह मकानी फासला कोई अहमियत नहीं रखता, और इसी तरह जमा की हुदूद में भी इस कदर इख्तिसार हो जाता है कि इधर आपने बिजली का बटन दबाया उधर फौरन रोशनी हो गई। हालांकि बिजली के बटन यानी स्विच से बल्ब तक करंट पहुंचने में मकानी और जमानी फासला है, लेकिन यह फासला बिल्कुल महसूस नहीं होता। इस हकीकत को न समझने की वजह से लोगों के जहन में शको शुबा पैदा हो जाता है और वो यकीन के दर्जे तक नहीं पहुंच पाते। दूसरी जानिब यह भी एक तल्ख हकीकत है कि हकीकत ना आशना लोगों ने दावे का लबादा ओढ़कर अजब सितमे जरीफाना माहौल पैदा कर दिया है। हालांकि हर अकले सलीम इस बात को अच्छी तरह जानती है कि दावा करने वाला अंदर से खाली है, भरे हुए बर्तनों से आवाज का जहूर कहाँ। दावा करना तो बिल्कुल ही अलग बात है। हजरत सुल्तान औलिया किबला इस मायार पर बिल्कुल खारे सोने की तरह पूरे उतरते हैं। बहुत कुछ होते हुए भी आपने हमेशा अपने आप को कुछ भी नहीं जाहिर किया, उससे बड़ी और क्या करामत हो सकती है। अपने इस गुजारिश के सबूत में हम कुछ वाकयात हजरत किबला के कारीने ग्राम की खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुर्शिदे वाकाई अलहाज सूफी अहमद हसन शाह किबला ने इरशाद फरमाया कि बरेली में हमारा नया मकान तामीर हुआ था, पानी की परेशानी थी। हमारी अहलिया ने जो हजरत किबला से मुरीद थी हैंड पंप घर में लगाने का इरादा किया और अपने भाई अब्दुल हमीद से कहा कि हमारे यहाँ हैंड पंप लगवा दीजिए। उन्होंने मजदूरों को बुलाकर उसी दिन बोरिंग शुरू करा दी। पाइप जमीन में डाला गया तो अहलिया के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि हमारे घर में हैंड पंप लग गया तो अब आराम से पानी पियेंगे। क्या खूब होता कि हमारे पीरो मुर्शिद यहाँ तशरीफ फरमा होते तो हम लोग पहले आपको शरबत पिलाते और फिर हम लोग पीते। उस वक्त हजरत किबला मुर्शिद नगर में थे, फौरन वहाँ से चल दिए और हमारे मकान आजम नगर बरेली में ठीक उस वक्त पहुँच गए कि अभी पानी साफ तौर पर बरामद भी नहीं हुआ था। हैंड पंप से जब साफ पानी आने लगा तो आपने फरमाया, हम आ गए हैं, शरबत बना लो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, आपके हुक्म के मुताबिक शरबत बनाया गया, फातिहा कराई गई और तमाम हाजरीन को पिलाया गया। जो शरबत बच गया था उसके लिए आपने फरमाया कि चाय बना लो। तामीले हुक्म की गई। हमारी अहलिया ने अपने दिल की बात हजरत किबला के जाने के बाद हमें बताई। बरिवायत अकाई व मुर्शिदी अलहाज अहमद हसन शाह साहब किबला।
अजीज अहमद साहब जिनके यहाँ फरीदपुर में हजरत किबला का इब्तदाई कयाम था फरमाते थे कि मेरे गरीब खाने पर हजरत किबला जलवा अफरोज थे, आराम करते करते अचानक उठकर बैठ गए और मुझसे फरमाया चलो मुझे शाह आबाद जाना है। मगरिब के बाद ट्रेन शाह आबाद अंजी के स्टेशन पर पहुंची, वहां से हजरत किबला और यह खादिम शाह आबाद पहुंचे। मस्जिद के सामने एक मकान था, वहां हजरत किबला जाकर रुक गए। मालिक के मकान दरदेसी में मुब्तला थी, यह औरत हजरत किबला से मुरीद थी। उसका देवर किसी दूसरे ख्याल का आदमी था। वो अपने देवर से कह रही थी कि मुझे कोई तावीज ला दो जिससे मेरी तकलीफ कम हो जाए। देवर ने जवाब दिया कि बड़ी पीर वाली बनती थी, अब अपने पीर को बुला ले तो मैं भी जानू। हजरत किबला उसके दरवाजे पर थे, गालिबन जब यह बात सुनी तो बाहर से ही वापस लौट आए। रात को मस्जिद में कयाम किया और सुबह फिर उसके दरवाजे पर पहुंचे। उसके शौहर का नाम लेकर आवाज दी तो वो औरत आवाज पहचान गई। उसने अपने देवर को बुलाया और कहा कि देखो मेरे पीरो मुर्शिद आ गए हैं। हजरत किबला अंदर मकान में तशरीफ ले गए और कुछ पढ़कर उस औरत पर दम किया। अल्लाह के करम से वो औरत फौरन अच्छी हो गई। वहां से फौरन वापस हुए और मुझसे फरमाया चलो फरीदपुर चलो। रास्ते में ये भी फरमाया कि बच्चा पैदा होने ही वाला है, बच्चा जिंदा रहेगा और औरत मर जाएगी। चुनांचे फरीदपुर तशरीफ ले गए। फरीदपुर आने के 3 दिन बाद वहां से खत आया कि बच्चा पैदा हुआ है और मौजूद है, मगर औरत का इंतकाल हो गया है।